यूक्रेन युद्ध के बीच से बड़ी खबर है कि फिनलैंड को रूस से बचाने के लिए इजराइल आगे आ गया है। और रूस से खतरे को देखते हुए अब फिनलैंड ने इजराइल से एक बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद की। देखिए, अब पुतिन ने भी गुस्से में बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि फिनलैंड के लोगों को जिंदगी भर परमाणु बम की दहशत में रहना पड़ेगा। हेलेंस्की, फिनलैंड। टाम्परे, फिनलैंड। टोर्को, फिनलैंड। लापिन रांटा, फिनलैंड। मरी अन हैमिना, फिनलैंड। फिनलैंड के इन शहरों में रूस के हमले का खौफ समाया हुआ है। सिर्फ इन शहरों ही क्यों, पूरे फिनलैंड में रूस से दो दो हाथ करने की तैयारी हो रही है। सड़क से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में रूस के हमले का कैसे मुकाबला करना है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। फिनलैंड की सेना से लेकर सिविल डिफेंस के जवान रूस के मुकाबले का बहुत ही खौफनाक प्लान तैयार किया है। इसका अंदाजा रूस को भी हो चुका है। यही वजह है कि रूस ने फिनलैंड के लिए युद्ध का एक स्पेशल मच्छरमार प्लान तैयार किया है। फिनलैंड में एक खास किस्म का मच्छरमार खेल खेला जाता है। विदेशी मीडिया का दावा है कि इसी खेल को आधार बनाकर रूस ने फिनलैंड को मच्छर की तरह मसलने वाले युद्ध का खाका तैयार कर दिया है। सवाल है, इस स्पेशल वॉर प्लान के तहत रूस ने कितनी मिसाइलों को फिनलैंड के नाम कर दिया है? फिनलैंड की सीमा पर रूस के लड़ाकू विमान क्यों गरज रहे हैं? फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस ने क्यों न्यूक्लियर बॉम्बर भेजे? फिनलैंड के लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने कितने परमाणु हथियार निकाले? रूस की सेना फिनलैंड की सीमा पर कितने टैंक भेज रही है? फिनलैंड से लगने वाले समंदर में रूस की कितनी पनडुब्बियां सक्रिय हो गई हैं? फिनलैंड ने नाटो में शामिल होकर रूस से बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है। विश्लेषकों का कहना है कि फिनलैंड की नाटो में एंट्री से यूरोप में तनाव चरम पर पहुंचने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नाटो के इस वार पर पुतिन कैसे पलटवार करेंगे। फिनलैंड की रूस से लगने वाली 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर टेंशन बहुत हाई है। दोनों तरफ से बॉर्डर की तरफ हथियारों का मूवमेंट बढ़ गया है। फिनलैंड से लगने वाली अपनी पश्चिमी सीमा पर रूस ने 12 मिलिट्री यूनिट की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं फिनलैंड के उत्तर में समंदर में रूस की पनडुब्बियों और युद्धपोतों की हलचल बढ़ गई है। ऐसे में फिनलैंड पर पुतिन का पलटवार क्या जमीन के रास्ते होगा? क्या रूस के टैंक फिनलैंड में भी यूक्रेन के बखमूत वाली बर्बादी करने वाले हैं, या आसमान के रास्ते फिनलैंड पर मिसाइलों की बरसात होने वाली है? क्या रूस के लड़ाकू विमान फिनलैंड के सैन्य ठिकानों को नस्तनाबूद करने वाले हैं, या फिर समंदर के रास्ते रूस के युद्धपोत फिनलैंड में बारूद का बवंडर लाने वाले हैं? रूस के इस खतरे से खुद को बचाने के लिए फिनलैंड ने इसराइल से एक बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी तैनाती के बाद आसमान से लेकर जमीन तक फिनलैंड का चप्पा चप्पा सुरक्षित हो जाएगा। डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए फिनलैंड ने इसराइल संग $345 मिलियन का करार किया है। डेविड स्लिंग को इसराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने एक संयुक्त कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर विकसित किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम फिनलैंड की धरती से कैसे रूस के हवाई हमलों से फिनलैंड को महफूज करेगा, इसे आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले फिनलैंड के अंदर रूस के हमले से निपटने के लिए कितनी बड़ी तैयारी हो रही है, इसे जान लीजिए। फिनलैंड ने अगले 6 महीने के लिए ईंधन और अनाज रिजर्व में रख लिया है। दूसरे देश से आने वाली दवाइयों का 10 महीने का स्टॉक जमा कर लिया है। करीब करीब सभी बड़ी इमारतों के पास बॉम्ब शेल्टर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा भूमिगत कार पार्किंग, आइस रिंग और स्विमिंग पूल को भी बॉम्ब शेल्टर में बदल दिया गया है। फिनलैंड के आर्मी चीफ का दावा है कि फिनलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही सैन्य तैयारी को मजबूत बना रखा है। फिनलैंड को रूस से युद्ध का बरसों पुराना अनुभव भी है। जोरिल्ला वार में फिनलैंड को महारत हासिल है। मिसाल के तौर पर फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की को ही लीजिए। हेलेंस्की की आबादी करीब 6.5 लाख है, लेकिन हेलेंस्की में मौजूद बॉम्ब शेल्टरों की कुल क्षमता 9 लाख लोगों के छिपने की है।
इसी बीच फिनलैंड के रक्षा प्रमुख टीमो पिक्का केविनन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जनरल टीमो कीविनन का कहना है कि फिनलैंड रूस के हमले से निपटने के लिए तैयार है और ऐसा होने पर कड़ा प्रतिरोध करेंगे। फिनलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उच्च स्तर की सैन्य तैयारियों को बनाए रखा है। हमने अपने समाज को तैयार किया है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस स्थिति के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं।